व्यूअर्स, आज की स्टोरी में आपको कैटरीना कैफ की एयरपोर्ट पर बेबी बम के साथ लुक, जो कि फैंस को वाकई ही हमेशा से कैटरीना कैफ के बेबी का बहुत ज्यादा वेट तो है, लेकिन अब कैटरीना कैफ जब भी कोई भी अपीयरेंस देती हैं, फैंस हमेशा उनके बेबी बम पर नजर जरूर रखते हैं। और यहीं पर इनकी सुबह मॉर्निंग टाइम की अपीयरेंस में जहां पर ये मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई, वहीं पर इनका बेबी बम जिस तरीके से फ्लॉन्ट कर रहा है, इन्होंने अपनी कमीज अपनी जर्सी के अंदर छुपाया, लेकिन फिर भी इनका बेबी बम बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहा है। फैंस का कहना है कि कैटरीना कैफ तो वो बंदी है जो कि बहुत ही ज्यादा फिट शर्ट और हर चीज को मुकम्मल तौर पर परफेक्ट पहनती है, लेकिन आजकल ये जो भी शर्ट ये कोई भी चीज पहनती है हमेशा लूज होती है या फिर इनका बेबी बम फ्लॉन्ट करता है। और यही बात है जो कि हमसे छुपाई जा रही है, जो कि हम जानते भी हैं। आपको बताते चलें कैटरीना कैफ विक्की कौशल के बारे में, तो सिक्स सेंस बरवारा को 9 दिसंबर को शादी हुई। इस साल बहुत सारी जहाँ पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने बेबी को एक्सपेक्ट करें, वहीं पे कैटरीना कैफ विक्की कौशल भी अपने फर्स्ट बेबी को एक्सपेक्ट करें, लेकिन ये बात वो फैंस छुपा रहे हैं। और यही बात है जो कि कॉफी विद करण में शायद सीजन 7 में ये तमाम लोगों के सामने कन्फेस करेंगे, बताएंगे, लेकिन फैंस को सीजन के आने का बहुत ज्यादा वेट भी। और फैंस का कहना है कि कैटरीना कैफ का बेबी हो और वो दुनिया का इंडिया का खूबसूरत तरीन बेबी ना हो, बहुत ज्यादा अपनी अपीयरेंस या फिर अपना मोहब्बत प्यार न ले, ऐसा हो नहीं सकता। इसी वजह से कैटरीना कैफ के बेबी का भी फैंस को उनसे कहीं ज्यादा वेट है। यहीं पर तो कभी भी कोई भी एयरपोर्ट की लुक होती है, चाहे वो ऑरेंज कलर की शर्ट में हो, चाहे वो इनकी ब्लैक कलर की बहुत ही लूज शर्ट में हो, चाहे आज की इनकी बहुत ही खूबसूरत सी पिंक शर्ट में, फैंस का कहना है कि बेबी बम फ्लॉन्ट करता है, जो कि फैंस बहुत जल्द इनके मुंह से खुद सुनना चाहते हैं। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? इट्स जस्ट अ फूड बैली और अ बेबी मम? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।